वाह भाई क्या एकदम मस्त सीन आ रहे हैं आप। और बाकी चलते हैं यहाँ पे नीचे, कब मौसम क्या मस्त बन रहा है यार, बस बारिश ना नहीं तो भाई कैमरा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज निकले हैं फिर से एक संडे राइड पे, जो कि एकदम मतलब मस्ती से घटने वाला है आज संडे राइड, ठीक है। तो और हमारे साथ है यथार्थ, जो कि अपनी ड्यूक 200 BS4 के साथ है, और इसने अपनी बाइक में आई थिंक मॉडिफिकेशन करा लिया, और जिसकी वजह ये आई थिंक ये इसने हजार्ड लाइट लगवा लिया, जिसकी वजह से इसके इंडिकेटर फ्लैश हो रहे हैं। और मैं हूँ अभी कैंट में, बाकी अभी मिलते हैं यहाँ पे 10:90 पे, बाकी सब दोस्त खड़े हैं वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं 10:90 चौराहा और बाकी से मिलते हैं। और हम अभी हैं 10:90 चौराहा पे, अभी फ़ोन से बात किया तो वो बता रहा है मरीन ड्राइव पे हैं बाकी सब लोग, तो चलो पहले मरीन ड्राइव चलते हैं। और एक्चुअली घूम के जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो बीच में गोमती नदी वाली ब्रिज था उसमें कुछ दिक्कत हो गया था, उसी वजह से वो काम वहाँ पे चल रहा है, मतलब इन प्रोग्रेस है, तो इधर से घूम के जाना पड़ रहा है भाई। सुबह का नज़ारा क्या है, अबे आरसी तो यहीं खड़ी है, ये रहे लौंडे और बाकी पता नहीं। तो सभी अभी आगे निकल चुके, मैं ही पीछे रह गया माइक वैक सेट करने के चक्कर में। कहाँ गए भाई, अबे इतनी जल्दी गायब हो गए, अच्छा हो रहे हैं। यार हमारे साथ है बस तीन ही बाइक है, मेरी ड्यूक 250, RS 200 और ड्यूक 200, मतलब KTM सिर्फ। और सिर्फ KTM ही है मतलब, और बाकी सब पता नहीं आज क्यों नहीं है, आई थिंक सब लेजी हो गए, संडे उठने में दिक्कत होती है। और हम अभी जा रहे हैं किसान पथ, जहाँ पे मतलब मैक्सिमम यूट्यूबर्स वहाँ पे हमेशा जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम जो रोड होता है एकदम खाली होता है, इस वजह से वहाँ सारे यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस, लखनऊ के सारे यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस वहाँ क्रिएट करने जाते हैं। यथार्थ को तो पहले से मन था, पिछले संडे को ही बोल रहा था वो किसान पर चलते हैं, लेकिन पिछले संडे आई थिंक ज़्यादा लेट हो गया था, उसकी वजह से नहीं जा पाए थे। और ये रहा हमारा लखनऊ किसान, लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल फिनिश प्लासियो। बाइक को एकदम क्लीन करके रखता है भाई, इसको अलॉय में थोड़ा सा भी धूल नहीं मिलने वाला। और मेरे अलॉय एक बार चेक करके देख लो भाई, इतनी गंदी रहती है। एक्चुअली मेरा जो रोड है ना, जिस रोड से मेरी रायबरेली रोड पे, मतलब रायबरेली रोड और घर के बीच जो रास्ता है, वो रास्ता इतना गंदा है यार, बारिश पड़े या ना पड़े, पड़े तो और ज़्यादा हो जाती है, मतलब पानी भर जाता है रास्ते में, अगर ना पड़े तो नाली से निकल कर इधर उधर से, मतलब भाई कुछ भी गाड़ी ले जाओ गंदी होनी पक्की है। और ऊपर से रास्ता खराब, भाई मौसम क्या मस्त बन गया यार, बारिश वाला एकदम, रिकॉर्डिंग हो रहा है हाँ। मौसम क्या मस्त बन गया यार, बस बारिश ना हो नहीं तो भाई कैमरा वैमरा सब भींग जाने वाला है, गोप्रो का तो कोई टेंशन नहीं है,
गोप्रो तो भाई सेफ है, बस कैमरा का टेंशन है, कैमरा बैग में वो ना भींग जा। और क्या मौसम हो गई भाई, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी एकदम ज़बरदस्त। आगे चलो थोड़ा बहुत रील शूट करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। भाई आगे रास्ता ही ब्लॉक हुआ, ये क्या करके रखे भाई। भाई नीचे का व्यू, ये रही गोमती नदी, कितनी गंदी है यार, लखनऊ में और गंदी हो जाती है। वाह भाई क्या एकदम मस्त सीन आ रहा है यहाँ पे। और बाकी चलते हैं यहाँ पे नीचे, कब से देर हो गए यहाँ पे खड़े हुए। तो गाइज अभी हम हैं कैंट में, और बाकी आशुतोष भी अपने घर की तरफ चला गया, और थोड़ी देर बाद यादार्थ भी डेंटल पहुँच के अपने घर साइड चला जाएगा, ठीक है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में, अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, see you।